अरुणाचल चीन का साथ हमारा सीमा है, तो यहाँ का हर गांव को वो ऐसा विकास करना चाहिए, टूरिज्म सेक्टर में इतना ध्यान देना चाहिए। माननीय सबका चाहता नेता पेमा खांडू साहब, वो बहुत ही तेज गति में विकास कर रहा है। अभी का अगर हम मौजूदा MLA अगर बात करें तो आपका यहाँ इस क्षेत्र का जो है वो टेंजिन निमाग लोजी है, तो उनसे आप क्या अपील रखना चाहेंगे, जो कि डेवलपमेंट जो है अगर यहाँ सफलता नहीं हुआ है तो किस तरह से वो डेवलपमेंट को लाया जाए, या तो आप जो यहाँ का जो विधायक थे जो श्री कुम सिदी सो जी थे उनका किस तरह से आपका यहाँ ध्यान रहा। दर्शक आपने देखा होगा कि हम तीन आरम भूमि जो है कई सालों से हम ये कोशिश करते हुए आया है कि हमारे प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत ही खूबसूरत है, तो ये जगह जो है आपको दिखाने के लिए हम कई सालों से हम ये कोशिश यानी कि प्रयास करते हुए आया है। और हम आज आपको ये बता दूं कि हमारे पश्चिम कमेंग जिले यानी कि वेस्ट कमेंग में एक ऐसा जगह है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और हमको लगा कि ये जगह जो है आप तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि ये जगह जो है बहुत ही वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। तो आज मैं यहाँ पालातारी पहुंचा हुआ हूँ जो कि ये ट्रिजिनो सर्कल के अंदर आता है। ये गांव जो है बहुत ही खूबसूरत है, जिस तरह हम अरुणाचल वासियों जो है अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत ही बड़ा प्रदेश है, ऐसे में हमको जानना चाहिए कि हमारा जो प्रदेश जो है किस तरह से खूबसूरत है। तो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ इस गांव की यानी कि पालातारी के कुछ सीनियर यहाँ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बातें करना चाहूँगा इस गाँव को लेकर यहाँ आने वाला समय में किस तरह से यहाँ जो है टूरिज्म जो है सेंटर यहाँ बनने वाला है, किस तरह से टूरिज्म का जो है क्षेत्र में कैसा आगे ले जा सकते हैं, इन सारी चीज़ को आपको बताने वाला हूँ। और बता दूँ कि ये जगह जो यानी कि पालातारी जो है ये जो है यहाँ से एक डैम जो कि बिचम डैम बहुत ही फेमस है, बिचम डैम का जो है सरकार भारत सरकार के द्वारा ऑलरेडी जो है टूरिज्म हब कर दिया गया है यानी कि सेंटर बना दिया गया है। ऐसा में ये गांव के ठीक नीचे ये जो है बिचम रिवर बहता हुआ जाता है, तो आने वाला भविष्य में ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत एक अच्छा यहाँ जो है टूरिज्म हब यानी कि सेंटर बनने वाला है। तो मैं आज यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, मेरा ये मकसद है कि इस जगह को एक्सप्लोर करना है क्योंकि हमारे प्रदेश जो है बहुत ही खूबसूरत है। हमारे बीच जुड़ चुके हैं इस सीधा ब्रोला का जो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष है श्रीमान गिदू दिलसो जी, आपको स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो अरुण भूमि एक ऐसा है चैनल है अरुणाचल का, हर कोना में पहुँच जाता है आप लोग और इस तरह से एक्सप्लोर करता है। आपने जो अभी जिक्र किया, हमारा ये जगह इतना खूबसूरत है और आने वाला समय में निकट भविष्य में इसका कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा से होने वाला है। जैसे यहाँ से सुबह का कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, न्यू कटिंग हो रहा है रोड का, हम लोग का आने वाला भविष्य में हम लोग का टारगेट है कि यहाँ से करंगनिया से बूढ़ा गांव कनेक्टिविटी हो, पलातरी से फिर भ्रामदा हो, रोड कनेक्टिविटी तो हम लोग का पास है, फिर भी बाद में आने वाला समय में यहाँ से सीधा पलातरी से ट्रिजनो भी कनेक्टिविटी हो सकता है जो कि बहुत सामने पड़ेगा। ये टूरिज्म हमारा बिचुम अरुणाचल में भारत सरकार ने दो जगह को टूरिज्म हब डिक्लेयर किया है, एक जीरो है और एक बिचुम है। तो बिचुम उसका 100 किलोमीटर का दायरे में उसका एगेंस में जो भी फंड आएगा, तो उम्मीद रखता है कि आने वाला समय में ये बहुत हम लोग का ये सब एरिया जो बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा और होना भी चाहिए। तो हम राज्य सरकार से भी ये अनुरोध करेगा, हम लोग का माननीय सबका चाहता नेता पेमा खांडू साहब, वो बहुत ही तेज गति में विकास कर रहा है आवाम का जरूरत को देख के, और उम्मीद करता आने वाला समय में भी अरुणाचल जैसे जगह को टूरिज्म सेक्टर में इतना बढ़ावा देना चाहिए अरुणाचल सरकार से गुजारिश है। जैसे अब इंडिया में देखिए गोवा टूरिज्म से सरकार चलता है, तो हमारा अरुणाचल इतना खूबसूरत जगह है हर जगह, तो उसको और खूबसूरत बना के टूरिज्म में इतना वो अपग्रेड करना चाहिए जो कि हर कोई इसको स्वर्ग माने, यहाँ लोग आए जाए, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए भारत ये अरुणाचल सरकार। और भारत सरकार से भी अनुरोध है, ये चीन का बॉर्डर में है, सीमा में है, तो इसलिए इसको ऐसे खूबसूरत बनाना चाहिए। जब चीन हमारा यहाँ में नहीं घुसा है बोलता है, लेकिन घुसा नहीं घुसा ये तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये रक्षा का वो उसका मैं उल्लंघन नहीं करूँगा, लेकिन वो हमारा सीमा का सामने इतना गांव बसा चुका है इतना खूबसूरत ढंग से, तो भारत सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अरुणाचल चीन का साथ हमारा सीमा है,
तो यहाँ का हर गांव को वो ऐसे विकास करना चाहिए, टूरिज्म सेक्टर में इतना ध्यान देना चाहिए, अरुणाचल सरकार को भारत सरकार जो मदद करना चाहिए। धन्यवाद सर। जहाँ तक सरकार की बात अगर हम करते हैं तो वो तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जो अथॉरिटी है, वो जो है अपना क्षेत्र को ध्यान दे। तो यहाँ का अगर हम बात करें तो इलेक्शन कुछ समय पहले ही हुआ है, जिसका विधायक, यहाँ का विधायक जो है श्रीमान कुमसी सिरिसो जीते, तो उनका समय में किस तरह से डेवलप हुआ है? और अभी का अगर हम मौजूदा MLA अगर हम बात करें तो आपका यहाँ इस क्षेत्र का जो है वो टेंजिन निमा ग्लो जी है, तो उनसे आप क्या अपील रखना चाहेंगे, जो कि डेवलपमेंट जो है अगर यहाँ सफलता नहीं हुआ है तो किस तरह से वो डेवलपमेंट को लाया जाए, या तो आप जो यहाँ का जो विधायक थे जो श्री कुमसी सिरिसो जीते, उनका किस तरह से आपका यहाँ ध्यान रहा इस जगह में? भाई मैं तो किसी का बुराई करने वाला नहीं हूँ। कुमसी सिरिसो का समय में भी, वो भी मेरा भाई है, उसका समय में भी उसने जो कोशिश करना था शायद किया होगा, या कुछ कुछ तो उसने भी किया उसका समय में। और आज तो मैं पूरा भरोसा है मेरा तेंजिन निमा ग्लो जी, मेरा वो छोटा भाई, वो हमारा यहाँ का माननीय विधायक बन गया है, मैं उस पर पूरा भरोसा हूँ कि वो आने वाला समय में हर एक सेक्टर में एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, एवरीथिंग वो लेके चलेगा, सबको लेके चलेगा, पूरा भरोसा है उसका ऊपर में। सर अंत में हम देखा है कि अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल एरिया होने के कारण यहाँ बहुत डेवलपमेंट भेजना चाहता है सरकार जो है, लेकिन यहाँ में ट्राइबल होने के कारण लोग क्या करते हैं कि लैंड इश्यू जो है बहुत आता है। तो आपके यहाँ में भी आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है आपको पूरी तरह से जो डेवलपमेंट यहाँ आना चाहिए जो आपका टूरिज्म क्षेत्र में, टूरिज्म मामला में, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि ट्राइबल एरिया होने के कारण जो है वो रुक जाता है, यानी कि वो मेरा जमीन में नहीं करना चाहिए, इस तरह से प्रॉब्लम होता है। तो आप सीधा प्रॉब्लम का अध्यक्ष है, तो आपकी तरफ से क्या संदेश या मैसेज आप देना चाहेंगे कि अगर कोई भी सरकार की तरफ से यहाँ डेवलपमेंट आता है तो उसको जो है यहाँ की जो ट्राइबल की तरफ से, स्पेशली आपका जो सीधा प्रॉब्लम की तरफ से तकलीफ ना हो, तो आपका जो जनता है आप उनसे क्या अपील रखना चाहेंगे? ये बहुत ही सही बात आपने पूछा है, ये यहाँ अकेला नहीं है, अरुणाचल में हर जगह में। ये कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया में हम लोग का किरण भैया का सुना था, सोशल मीडिया में उसने भी कहा है कि हर जगह में कॉम्पेंसेशन कॉम्पेंसेशन का वजह से विकास का कार्य। इसको मैं तो ये अनुरोध करूँगा सभी को, वो कॉम्पेंसेशन जो है एक लिमिटेड में हो। आप देखिए जब ये पाली जी वाला जो हाईवे जब जा रहा था, जहाँ कुछ नहीं है रातों रात में वहाँ संतारा गुच्छी लगने वाला वहाँ उगा दिया जाता था, फोटो खींच के उसका कॉम्पेंसेशन क्लेम करता था। हर जगह में हुआ है ये, मैं तो उदाहरण एक जगह का दे रहा हूँ। तो इस तरह से हर कोई जो ये कोशिश करता है कि सरकार से या जो कॉन्ट्रेक्टर है उनसे बेनिफिट ले, ये हमारा विकास में बाधा है, यह सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और खास करके हमारा श्लैब लैंड प्रजर्वेशन सोसाइटी का अंदर में हमारा तीन गाँव का जो भी एरिया बनता है, यहाँ में कोई भी रोड कनेक्टिविटी कोई भी आएगा, उसमें कॉम्पेंसेशन का नाम से किसी का खेती है उसका खेती चला गया, कोई अपना घास कोई जैसे संतरा हो गया वगैरह हो गया, तो अपने जो नुकसान होता है उसका कॉम्पेंसेशन वो कहीं भी वो वजीब देना पड़ता है तो उसका मिलेगा, लेकिन ज़मीन का जो है जो भी मिलता है तो वो तीन गांव में बराबर होगा, वो किसी का वो अपना एरिया से मेरा खेती से गया मेरा है वो चीज़ क्लेम नहीं कर पाएगा। और कोशिश करूँगा आने वाला समय में कोई भी डेवलपमेंट उसके लिए चीज़ में जो है हम लोग वो कॉम्पेंसेशन का चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है। और ये सीधा बोलो ही नहीं, हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करता है ये हर कोई इसको थोड़ा ध्यान देना है। थैंक यू सर।